सभी का फिर से वेलकम है एक और बड़े नए रूटीन पर। साइकिल ने धोखा दे दिया कहीं, हाँ जब उनका साइकिल दो बार धोखा दिया। सभी को फिर से वेलकम है एक और बड़े एक नया रोड ट्रिप पर। वैसे नया तो नहीं कह सकता क्योंकि दीघा हम पहले भी जा चुके हैं और इस बार हम दो लोग जा रहे हैं, मतलब मैं और मेरे एक साथी जा रहे हैं। पिछली बार हम जान गए थे आप लोग देखे होंगे 2022 में और ये 2024 है, दो साल बाद फिर से हम जा रहे हैं और बहुत दिन हुआ किसी साइकिल ट्रिप पर हम गए भी नहीं थे, तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। और अभी मूड थोड़ा सा ऑफ है पहले ही क्योंकि साइकिल की हालत थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। क्यों और क्या, चलो आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ और साथ में क्या क्या लेके जा रहा हूँ वो दिखाता हूँ। तो आप सबके सामने जो सामान है ये सारा सामान मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। और पहली बात तो मेरा टाइगर एकदम बिल्कुल फुल्ली परफेक्ट कंडीशन में है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कुछ सामान वगैरह पूरा ही मतलब चेंज कर चुका हूँ, तो जिस कारण कोई टेंशन की बात है नहीं साइकिल को लेकर। क्या क्या चेंज करूँ चलो आगे चल के बोलता हूँ। खैर लेकिन फिर भी एक जो टेंशन है साइकिल में क्या है कि साइकिल की टायर की हालत थोड़ा बहुत ख़राब है, तो बीच में अगर कुछ हो गया तो समझ सकते हो। खैर जब होगा तब देखा जाएगा, उतना भी सोच के फायदा है नहीं। खैर इसलिए मैंने क्या हूँ कि मतलब जो रिपेयर के सामान है वो मैंने ज़्यादा लिया नहीं, दो चार ही ऐसा कुछ लिया जो कि ज़रूरत पड़ सकता है इस कारण। बाकी उसके इधर पे कुछ मेरा ड्रेसेस और एक कल को मैं पहन के जाऊंगा, उसके इधर बैकपैक और जो मेन चीज़ अभी है वो है वाटर, क्योंकि अभी टेम्परेचर है 43 से ज़्यादा हो जा रहा है और हाईवे पे राइड करेंगे तो वाटर की नीड हमें बहुत ज़्यादा होगा, तो जिस कारण हम लोगों ने क्या किया कि मैंने दो लिया हूं और जो मेरा साथी होगा उसने भी दो बोतल ले लेंगे तो इसमें हो जाएगा आराम से, तो इसलिए मैंने दो बोतल ले हूं। बाकी उसके इधर पे कुछ मेडिसिन वगैरह और सर्फ और इसके अंदर मेरा टूथपेस्ट वगैरह जो है बहुत सारा मैं लिया हूं। उसके बाद इधर पे लाइट की सामान कुछ, भाई बोलोगे कि दिन में राइड कर रहे हो ऊपर से होटल में रहेगा तो राइट की क्या जरूरत है, तो हमारा ऐसा प्लान है कि आते टाइम हम रात को आ सकते हैं नॉट श्योर, तो जिस कारण हमने ऐसा कैरी कर रहा हूँ, देखते हैं अब क्या होगा वो आप सबको पता चल जाएगा इसी वीडियो के एंड में। खैर जो भी उसके बाद इधर पे कुछ बाकी सारा सामान देख पा रहे हो, बस यही कुछ सामान मैं लेके जा रहा हूँ। तो बस घर से 6-7 किलोमीटर आए थे कि और साइकिल ने धोखा दे दिया, आई मीन हुआ कुछ ऐसा। और आप लोगों ने जैसा कह रहा था कि साइकिल की टावर की हालत बहुत ही ख़राब है और देखो क्या हो चुका है अभी, और अभी सुबह के 6 भी बजे नहीं है तो इसलिए अभी दुकान भी मिलना पॉसिबल है नहीं गाँव में, तो अब ऐसे पैदल चल रहे हैं गदेरा पहुँचते, देखते हैं उधर पे कुछ अगर सहायता हो पाई तो देखते हैं फिर, नहीं तो उसके बिना और कुछ ऑप्शन है नहीं। और मतलब शुरू में ऐसा हो जाएगा तो भाई समझ सकते हो। खैर अभी साइकिल को हम ठीक करने के रिपेयर करने के दिया है और अभी एक नाव हमारा मिस कर चुका है, सेकेंड जो नाव है टाइम है वो है 7 बजे, वो पकड़ के हम जाएंगे। चलो फिर ज़्यादा अब लेट करके कुछ फ़ायदा है नहीं, जल्द जल्द पहुँचना पड़ेगा हम लोगों। तो यह है गदियारा और गदियारा का वीडियो मेरे चैनल पर, एकदम सबसे पहला वीडियो है गदियारा का चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नाव से उतर के अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं और यही रोड सीधा मैसूर होके नंदकुमार जाएगी, उधर से हम हाईवे पकड़ेंगे जो कांथी की साइड होके दिखा जाते हैं। चलो आगे चलते हुए दिखाएंगे। और भाई इधर पे साइकिल ठीक करने वाले एक मिनट भी लेट हो जाता ना तो ये नाव भी छूट जाती, हम लोग को फिर से एक और घंटा रुकना पड़ता, तो मतलब मोटरसाइकिल तो पहले ही बहुत ऑफेंड है क्योंकि शुरू में ऐसा हो गया तो भाई समझ सकते हो। खैर क्या बोलूँ, अब जो भी हो जो हो चुका है उसको सोच के क्या फायदा, चल अभी ठीक हो चुका है और अभी कंटिन्यू करते जल्द। और सो टिकट के बारे में बोल दूँ, टिकट का जो प्राइस है वो है 8 रुपये और हर इंसान का एक और साइकिल का 2, टोटल हम लोग को 6 टिकट लगा 48 रुपीज़। और चलो अभी सुबह का 7:30 बजे और अभी टेम्परेचर है 36, समझ सकते हो कितना गर्मी आगे चल के हुआ। तो खैर थोड़ा अभी फर्स्ट चलते हैं सीधा नंदकुमार में रुकेंगे, उधर पर टिफिन वगैरह करके फिर आगे जल्दी उधर से कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर जल्द से जल्द चलते हैं। ये सामने है मैसदल का जो बस स्टैंड है वो, और जो राइट साइड पर रास्ता था वो नंदकुमार जाती है और हम लोग उधर भी जाएंगे। और यही लेफ्ट साइड जाके थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आप लोगों को मैसूर जो राजमहल है वो दिख जाएगी, मैं लिंक वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप लोग मैसूर घूमने आना चाहते हो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन है, वो उस साइड पर रास्ता है। और हम लोग राइट साइड पर जाएंगे क्योंकि हम लोग को नंदकुमार जाना पड़ेगा, उधर से हाईवे पकड़ेंगे तो कांथी जाती है। और इधर से अभी 12 किलोमीटर जाएंगे तो हम पहुँचेंगे नंदकुमार, और उधर पर जाके हम लोगों ने टिफिन करने का सोचा है, देखते हैं अभी लेट सी क्या होता है, बीच में अगर अच्छा वाली दुकान मिल जाए तो उधर भी खा लेंगे। चलो फिर चलते हैं जल्द जल्द। A few minutes later.
तो 35 मिनट्स में 12 किलोमीटर राइड करके हम पहुँचे अभी नंद कुमार, और इधर पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और सीधा सामने या फिर बोलूँ तो मेरे पीछे ही है जो सर्किल मोड़ है, इधर पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे आगे की साइड। तो चलो फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो अभी हमारा मेन हाईवे राइड शुरू हो चुका है, और गर्मी और रोशनी तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है, और तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होंगे सही बताओ तो। और भाई अभी का टेम्परेचर है 38, सुबह के 8:30 बजे 38 टेम्परेचर है, तो मतलब 2 बजे के टाइम पे क्या होगा समझ सकते हो। और आज तो हाईएस्ट हो जाएगा वो है 43, तो मतलब क्या बोलूँ इस गर्मी में और हाईवे में राइड करना होगा। खैर जो भी हो, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, और अभी हम लोग पहुँचे हैं मातंगिनी सेतु पर, और जैसे कि देख पा रहे हो। और ये ब्रिज की एक खासियत बोली जाए, डेंजरस जो ही बोलूँ, मतलब ज़्यादा गाड़ी जाते हैं ना, बड़ी बड़ा जो गाड़ी होता है पूरा बिजी मतलब हिलता है ऐसा है। और अभी नदी में पानी तो बहुत ही ज़्यादा है, उधर पर एक पार्क भी है, इस जगह मैं पहले भी आया हूँ, और इसका ऊपर भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग में वीडियो है, चाहो तो आप देख सकते हो, मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलो अब ज़्यादा टाइम, आगे आके हम लोग रुके हैं, तब ब्लू कंडी वगैरह मिलाते हैं, क्योंकि पर पानी जो है मतलब 5 मिनट के अंदर ही फुल्ली गर्म हो जा रहा है। अभी हम लोग ठंडा सा पानी लिया, मगर 5 मिनट भी गया नहीं, फुल्ली गर्म हो रहा है। और एक चीज़ आता है ना, जो भी ऐसे ट्रिप वगैरह करते हो या करना चाहते हो साइकिलिंग पे, तो हमेशा एक समय समय पर पानी लेते रहना, पानी आप लोग को बहुत ज़रूरत है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, और अभी हम लोग को सोचा है कि अभी नेक्स्ट 1.5 घंटे बोलूँ तो 11:30 बजे के अंदर हम लोग और 25 किलोमीटर्स के आसपास राइड कर लेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद फिर 35 किलोमीटर रह जाएंगे, जो कि धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तो उसके बाद से जो है गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तो सरकार की तरफ से भी कह रहा है कि 11 बजे के बाद बाहर ना ही निकले तो ही अच्छा, तो इसलिए ऐसा हमने सोचा है। तो अब देखते हैं कितना होता है, लेट्स सी, अब लोग को पता चलेगा, हमें भी, हम लोग तो फुल मूड में है अभी, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग को पहुँचना पड़ेगा, इसलिए चलो। हर एक राइड में हम लोग ऐसे करके मतलब कभी कभार जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा भी आता है, ऊपर से बढ़िया फीलिंग से बोला जाए। जैसे कि कुछ टाइम पहले कह रहा था कि 11:30 के अंदर हम लोग 50% कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी 11:30 दूर की, अभी 11 भी बजे नहीं और हम आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, तो 12 बजे के अंदर और 10 किलोमीटर तो आसानी से हो जाएंगे, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो बाकी रहता है उसके बाद फिर उधर पे लंच वगैरह करके, देन उसके बाद बाकी रहता है 30 से 40 किलोमीटर ऐसे कुछ रहेंगे, बाकी उसके बाद धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। और अभी पिछली बार क्या, अगर आप लोग याद होगा, हाँ, तो अगर पिछली बार का हमारा राइड देखे होंगे तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा हवा थी, मतलब सामने से हवा रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसका चलन में हम लोग को जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस पर क्या है कि गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, उसके कुछ क्या ही बोलूँ, सब सबको ही पता होगा क्या, लेकिन हवा उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हवा है जितनी है सही है, और कभी कभार बादल भी आ जाए तो इस कारण गर्मी उतना लग भी नहीं रहा फिलहाल। और अभी टाइम हुआ है 11, अभी कुछ टाइम बाद 12 बजे, उसके बाद क्या होगा ऐसा नहीं पता। खैर फिर भी दीघा की साइड पर जो है जो टेम्परेचर बहुत कम है हमारे उस साइड से, हम उधर पे तो 43 दिखा रहा था, लेकिन इस साइड पे जो हाईएस्ट जा रहा है जाएगा आज वो 39 या फिर 40 ऐसा कुछ, तो उस हिसाब से तो कम ही है टेम्परेचर इधर पे। मगर हाईवे पे राइड कर रहे हैं और चारों तरफ पेड़ वगैरह भी है नहीं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ हो रही है, चाहे जो ही बोलो। और मेरी तरफ से एक रिकमेंड रहेगी कि अगर आप लोग बाइक हो या फिर साइकिल ऐसे अगर आते हो
हो दीघा की साइड पे इस रोड से, तो आप लोग बहुत संभल के चलाना क्योंकि इधर का जो बस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से जा रहा है, और आप हम लोग मतलब एकदम साइड में है फिर भी वो लोग पूरा ही साइड से होकर जा रहा है, तो बहुत रिस्की है सही बताऊँ तो। इधर का रोड उतना लंबा भी है नहीं, हाईवे है लेकिन क्या ही बोलूँ, खैर जो भी हो तो इसलिए इधर पर थोड़ा संभल थोड़ा सा करा थोड़ा सा ज़्यादा संभल के हम लोग जाना, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो देखो अपना जुगाड़ू फ्रेंड अपना जुगाड़ ढूंढ लिया, और ऐसे ऐसे सही बताओ थोड़ा बहुत तो हेल्प हो जाती है, हम जब भी ऐसे जाते हैं ना तो कितना हो सकता है हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों की हेल्प मिल जाती है, उनको भी कोई तकलीफ है नहीं, यहाँ पर भी अच्छी गावत है देखो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग भी ऐसे करने जाओ कर ही सकते हो, मगर राइट साइड पर मत पकड़ना, लेफ्ट साइड पकड़ना, राइट साइड पकड़ोगे तो उस साइड से गाड़ी आता है तो कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए अगर अगर आप मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप लोग ऐसे पकड़ के जाओ, फिर भी अगर पकड़ते हो तो आप लोग लेफ्ट साइड पर पकड़ना। पिछली बार जब आए थे ना तो ये नदी मतलब कितना सुंदर हरा भरा था, और इस बार गर्मी की वजह से पूरा ही मतलब सूख चुका है, पानी भी ज़्यादा है नहीं। अभी नज़ारा है, अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, इस टाइम बस 12 बजेंगे एकदम, माफी बस हो जाएगी तब तो राइट कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, मगर एक चीज़ सही है कि हम लोग जो पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब आ चुके हैं, पिछली बार से बहुत ज़्यादा आ गए, पिछली बार इस जगह पे हम लोग पहुँचे थे करीबन तब 1 बज गया था, अभी 12 भी बजा नहीं, हम लोग इतना दूर आ गए और ज़्यादा अभी बाकी है भी नहीं, अभी करीबन 55 से कम है अभी, हाँ तो अभी 51 जो है बाकी है, अभी इधर माइसूर में दिखा मैंने 51, तो मतलब बहुत ही कम है, अभी बस 20 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर जाके कहाँ थी उधर पर रुक के उधर पर लंच वगैरह करके देन बाकी का 30 किलोमीटर धीरे धीरे एकदम आराम से कंप्लीट करते हुए 3-3:30 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे दिखा। चलो और मैं ज़्यादा कोई रास्ते का सीन दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने लायक, मतलब आज तक ऐसे कुछ सीनारी है नहीं कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ, तो इसलिए मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा, मेन बात आप लोगों को जो तो दिखाने लायक होंगे मैं ज़रूर दिखाऊंगा, जो तो बताने लायक इन्फॉर्मेशन होंगी वो भी मैं बताऊँगा। चलो हम लोग का पूरा राइट पे जो पेड़ सबसे ज़्यादा दिखा ये वाला, इसको बंगाली में कृष्णचूड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं फिलहाल मेरे को नहीं पता, ये वाला पेड़ और इसमें फुल पूरा भर के हुआ है जितने भी मैंने पेड़ देखे, और आते हुए हमने बहुत ज़्यादा देखे, कहीं एक कहीं दो कहीं कर तो मतलब एक के बाद एक, क्या ही सही लगता है देखो एक और बहुत ही सही लग रहा है, मतलब इतनी गर्मी है और पूरा रेड तो सही लग रहा है, मतलब आप लोग भी बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो बस अभी काफ़ी पहुँचने वाला है, ज़्यादा दूर बाकी है नहीं, बस 15 किलोमीटर बाकी है, और उसके पहले ब्रिज, इस ब्रिज का नाम क्या मेरे को 6th याद है नहीं, और उधर पे देखो बहुत सारा नाव वगैरह खड़ा है और पानी का लेवल बहुत ही कम है अभी फिलहाल, और इस जगह का जो नाम है वो कालीन नगर बाजार ऐसा नाम है, मगर ब्रिज का नाम कहीं पर दिखा नहीं तो इसलिए पता नहीं हुआ, आप सबको कोई पता है तो ज़रूर से कमेंट करके बोलना। खैर चलो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फटाफट काफ़ी पहुँचते उधर पे जाके खाना वगैरह खाते हैं, बोलो तो लंच करते फिर धीरे धीरे आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे हम, बहुत ज़्यादा अभी दोपहर के 12 बजने वाला है तो जिस कारण गर्मी एकदम एक्सट्रीम चला गया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो अभी हम लोग इधर पे जो रुके हैं जा ही रहे थे, और क्या है कि हाईवे होने के कारण पेड़ वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए छाव भी है नहीं कि पेड़ की छाव में जाके कुछ टाइम बैठे फिर जाए ऐसे ऐसे करे, मगर कुछ इधर पे पेड़ वगैरह है नहीं इसलिए इधर पे कुछ एक मिला था इधर पे रुके, और भाई फेस की कंडीशन देख के समझ सकते हो कितना गर्मी है कितना ज़्यादा, और अभी तो मतलब पसीना पसीना हो ही चुके हैं, बाकी अभी हालत ख़राब हो चुके ऐसा तो नहीं कहेंगे, और हम लोग कांथी के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, बस थोड़ा सा जाएंगे अभी 7-8 किलोमीटर जाएंगे तो हम लोग कांथी पहुँच जाएंगे, उधर पर जाके हम लोग अपना लंच करेंगे देन उसके बाद एकदम धीरे धीरे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे आगे की सफ़र, और शाम 4 बजे से अंदर पहुँच जाए बस इतना ही चलेगा, ज़्यादा हम लोग का कुछ है नहीं, और हम लोग बहुत ज़्यादा चला के आ चुके हैं तो जिस कारण, बाकी साइकिल की क्या बोलूँ साइकिल को थोड़ा भाई पानी वगैरह देना ज़रूरी है क्योंकि इतना चलते हुए आ रहा है उसके टायर में। चलो फिर अभी कुछ टाइम रुकते हैं फिर निकलते इधर से। होती है स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल कहते हैं कि पहले कैमरा बैठा के जाओ फिर लेने आओ, और आप लोग बस एक लाइक नहीं कर सकते, लाइक तो कर दो इसके लिए। 1 hour later तो जी अभी टाइम हो रहा है 1:00 PM, और मेरी परछाई से समझ सकते हो एकदम नीचे आ गया, और अभी अभी बस हम लोगों ने लंच किया और फिर कुछ टाइम रुके थे, सोचा था कुछ जा रहे हैं रुके, मगर उधर पे बैठने के सारा कुछ सिस्टम था नहीं, ऊपर से उधर पे भी गर्मी था, सोचा कि चलो कुछ और जगह देखते हैं जहाँ से रुक सकते हैं हम लोग,
तो इसलिए ऐसे ही निकल चुके हैं, उधर से ज़्यादा बैठे नहीं है। तो अब देखते हैं कहाँ कोई बढ़िया सा प्लेस मिला तो उधर कुछ टाइम बैठेंगे, क्योंकि दोपहर का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो गर्मी है। और अभी करेंट जो टेम्परेचर है वो है 41, तो समझ सकते हो इस 41 में कोई पेड़ वेड़ भी है नहीं। ऊपर से हम तो चलो भाई रेस्ट से आ जाएंगे, मगर अपनी साइकिल को भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए सब कुछ सोचते हुए चलेंगे। अब देखते हैं कहीं रुकते हैं। इसको लेकर 4 बार हुआ, इसको लेकर 5 बार हुआ मेरा टोपी गिरते हुए, और उसका टोटल 3 बार गिर चुका है। मतलब परफेक्टली फिट हुआ नहीं, और गाड़ी जब जा रहा है बड़ा बड़ा गाड़ी, सो बहुत हवा आ रही है तो उस हिसाब से गिरती जा रहे हैं। क्या ही करें, अब चलो ऐसे भी समस्या हम लोग को झेलना पड़ेगा। इस रूट का या फिर तो इस राइड का सबसे पसंदीदा जगह मेरा, अगर आप लोग कभी आते हो तो इस जगह पे ज़रूर आना। मतलब अब चाहे इस टाइम पे फैन के नीचे बैठ जाओ ना, वो शांति मिलेगा नहीं आप लोगों को, ये जो पेड़ के नीचे बैठ के जो मिलता है। और ये एकदम कांथी से बस 2.5 किलोमीटर पीछे है, सामने जाऊँगा तो कांथी है, उसके नीचे 2 साल पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। तो अभी 2:30 बजे और अभी हम लोग पहुँचे हैं कांथी, और कांथी से जो राइट साइड पर रास्ता जाता है वही जाता है दिखा की साइड, तो हम लोग को वही पकड़ के अभी राइट साइड चल रहा है। अब इधर से हम लोग करीबन 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा जिन हम पहुँचेंगे दिखा। तो जो राइट साइड पर रास्ता है वो खड़गपुर होके, अगर आप लोग आते हो तो खड़गपुर इसी रास्ते में आके आप लोग मिलोगे, और इधर से आप लोग खड़गपुर साइड के अगर आते हो तो आप लोग फिर राइट साइड जाना और दिया की साइड पहुँचोगे। तो हम लोग को सीधा जाना है, हम लोग कांथी से आए तो हम लोग को सीधा जाना है, और ये वाला रास्ता देख लो जो रास्ता आता है वो खड़गपुर साइड होके आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि सामने से हवा आ रही है और उसे आपको रोक नहीं पा रहे और बहुत दिक्कत हो रही चलाने में, जैसे हमारे साथ हो रहा है, तो एक टेक्निक बोल दे रहा हूँ। देखो हवा को तो आप रोक नहीं सकते, मगर एक टेक्निक है, देखो बड़ी गाड़ी आपको वाट टिका चली जाएगी, लेकिन जो छोटा गाड़ी है फिर टोटो, इसका हाई स्पीड है 30, इस गाड़ी के पीछे भी चलो, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखो रख के साथ चलो। इसमें फ़ायदा क्या है, वो पूरा एयर को जो मतलब सामने से कवर कर लेगा, जिसके आपको उतना तकलीफ होगा नहीं। हम लोग पहले भी ऐसा टेक्निक करके आए हैं और अभी भी वही कर रहे हैं, और बहुत स्पीड में चल रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि उस टाइम पहले हमारा स्पीड 5 से ज़्यादा जा नहीं रहा था, अभी हमारा स्पीड 25 तक चले जा रहे हैं। तो दीघा से करीबन 15 किलोमीटर पीछे आप लोग ऐसे सुंदर नज़ारे मिलेंगे, दोनों तरफ पेड़ होंगे, और ये मानसून में बहुत सुंदर लगता है। मैंने एक वीडियो में देखा था, उस टाइम कभी आया नहीं, मगर एक वीडियो में देखा था भाई बहुत सही लगता है। और इस अभी फिलहाल बैठेंगे नहीं क्योंकि बहुत समय हो चुका है, तो अब चलते हैं सीधा और आगे चल के दीघा की जो गेट है वो भी दिखाएंगे, और भी क्या क्या है सारा दिखाते हैं, चलो फिर। आज अपन का साइकिल 2 बार धोखा दिया हमें, एकदम शुरू में हम लोग को जैसा दिखाया मूड ऑफ होकर पूरा, और देखा अभी एंड पे आके ऐसा। अभी 15 किलोमीटर बाकी है और दोबारा से पिछले टायर में पंचर हो गया, सब सही चल रहा है, अचानक देखा हूँ साइकिल तो हिल रहा है, देखा कि हवा पूरा ही नहीं है। और अभी जिस जगह में ऐसा हुआ है अभी इधर पे कुछ मिलेगा भी नहीं, मैप पे मैंने देखा 2.5 किलोमीटर ऐसा पैदल जाना पड़ेगा, फिर सामने कुछ शॉप वगैरह है, नॉट श्योर कि हो पाएगा, नहीं होगा तो फिर भी हवा वगैरह देखे चले जाएंगे। अब देखते क्या होता है, मतलब सुबह से आज हम टोटल पैदल राइड ही हम लोग 7 से 8 किलोमीटर कर चुके हैं, और अभी फिर से कर रहे हैं इधर पे, नहीं सुबह मतलब उधर पे हम लोग 6 किलोमीटर के आसपास किए थे, फिर से अब इधर पे कितना करेंगे देखा देखते हैं, वो भी नहीं पता। तो भाई यार थोड़ा सा आया, सोचा कि साइकिल दुकान मिल जाएंगे, और मिल भी गया, थोड़ा सा आया था, मगर आके पता चला अभी दुकान खुला नहीं, अभी भी आधा घंटा लग जाएंगे खोलने में। और अभी थोड़ा सा कि ये नहीं सोच के कि थोड़ा आगे चले जाए, आगे चल के करे ऐसा भी ऑप्शन है नहीं, अभी हम लोग को बहुत आगे जाना पड़ेगा फिर मिलेंगे, तो इसलिए आप क्या करें आधा घंटे इधर पे वेट करना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे शायद, हाँ अभी 5:30 बज रहे हैं, मतलब समझ सकते हो। तो अब क्या करें, इस सोचते से अभी आगे हम लोग पानी पूरी खाने, जैसे कि देख पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, टेंशन को हटाना पड़ेगा पहली बात तो। तो अभी जो है हमने साइकिल सही कर लिया और अभी चल रहा है, और अभी समय हो चुका है 6, और अभी हम लोग को जाना पड़ेगा 15 किलोमीटर, तो अभी भी आधा घंटा तो लग ही जाएंगे, आधा से ज़्यादा लग जाएंगे देखा जाए तो, क्योंकि वीडियो वगैरह करना पड़ेगा। और शाम हो चुकी है, मेन बात जो चीज़ है सनसेट तो हो ही चुका है, तो मतलब पहुँचते पहुँचते 7:45 वगैरह ऐसा कुछ हो जाएंगे, फिर हम लोग होटल वगैरह ढूंढना पड़ेगा, होटल इस बार बुक उन्होंने किया नहीं है, तो फिर हम लोग होटल बुक करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत कुछ अभी झमेला है। तो ये एक माइलस्टोन देखो दीघा बस, और 4 किलोमीटर बाकी है, तो बस क्या बोलूँ, और अंधेरा पूरा ही हो चुका है। पिछली बार हम आए थे 4:30 बजे हम दीघा मतलब होटल तक पहुँच गए थे, और अभी हम हो चुके हैं 7:45, मगर अभी तक होटल ढूंढना भी शुरू नहीं किया। और अभी बस 1 किलोमीटर जाने के बाद ही हम लोग को दीघा का जो गेट है वो देखने को मिलेगा। अब देखते हर समय हम लोग दिन में देखे, अब रात में कैसा दिखते हैं, खैर आज वही देख लेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे।
चलो फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर दिखाते हैं। तो गाइस यार फाइनली पहुंच गए और हालात देख के समझ सकते हो पूरा पसीना हो चुका है और मेरे बिल्कुल ही पीछे है गेट ये रहा। और रात में तो भाई सही में बहुत सही लग रहा है और ये लाइट पहले था नहीं, अभी नया लगा है। और खैर जो भी हो मगर ना सर तो बहुत सही लग रहा है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, होटल ढूंढना पड़ेगा भाई, वो हमारा पहला काम है अभी। चलो फिर देख लो। ओल्ड दिखा में जो है एंटर हो चुके हैं और नज़ारे, और इधर पे तो हर समय ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। और वो देखो सारे उधर पे तो मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो जब देख लिया फिर नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग देखने को मिलेगी, तो बस बने रहे ना। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, पिछली बार आए थे तो हम घूमे थे, आप सबको दिखाया भी था, इस बार भी दिखाएंगे और भी अच्छे तरीके से। अभी बस होटल ढूंढते हैं फिर जाते हैं और बिल्कुल बाद में बोल के फिर अच्छा वीडियो एंड करेंगे। और देखो चारों तरफ चमकती हुई लाइट, मतलब एक अलग ही माहौल है इधर पे। तो हम लोग जो है इसी बोलो तो भवन में ही रहेंगे और हमने ज़्यादा को ढूंढा नहीं। और मेन चीज़ है कि इधर का प्राइस जो कि बहुत कम है, 250 रुपये दो जन का एक दिन का, तो उस हिसाब से बहुत सही है। अगर आसपास भी ढूंढने जाए तो 500 से नीचे तो होगा नहीं, जितना हमें नॉलेज है मैक्सिमम 400 नहीं मतलब मिनिमम 400 तो हो ही जाएगा, उससे कम तो होगा नहीं। और ये मेन बात है कि ये सरकारी के अंडर में है तो जिसका इसका प्राइस ऐसा है। रूम वगैरह उतना खास आशा हम नहीं रखे, वही अच्छा है। और देख के आए हम लोग के लिए चलेगा, हम तो बस देखो हमें रूम से कोई मतलब उतना है नहीं, हम घूमने आए तो इस हिसाब से ठीक है, मतलब जैसा हमने देखा रूम सही है। चलो दिखाता हूँ तुम लोग को रूम भी और अच्छे से वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा, फिलहाल चलो दिखाता हूँ, चलो अंदर चलते। तो ये है रूम, इधर पे एक बेड है पूरा टाइप का, दो लोग तीन लोग आसान से रह जाएंगे, दो लोगों से क्योंकि दो लोगों के लिए है परफेक्ट। एक फैन है, कंडीशन उतना सही नहीं है, इधर पे टॉयलेट वगैरह है ऐसा कुछ।